लीडर्स को अपनी दुनिया में हर चीज की ओनरशिप लेनी होगी। आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ होता है वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इमेजिन करिए कि आप एक स्ट्रीट पे जा रहे हैं और एकदम से आप गिर गए और उसी टाइम एक गाड़ी एकदम से स्वर्व करी और उसने आपको मार दिया। आप किसी तरीके से बच गए और जब आप उठे तो एकदम से एक मीटियोर ने आपको आके मार दिया। अब ये किसकी गलती है? अब अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सोचिए तो ऑब्वियसली ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप बस अनलकी थे, लेकिन एक्सट्रीम ओनरशिप के हिसाब से ये सब आपकी गलती है। अब ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया जो आप कभी अपनी लाइफ में शायद फेस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको दिखाता है कि आपको कितना टफ होना होगा अपनी लाइफ में एक्सट्रीम ओनरशिप लेने के लिए। अब ये बुक ज्यादातर लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, लेकिन अगर आप लीडरशिप के पोजिशन में नहीं है तब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों है। मैंने काफी लोगों को देखा है जो हर रोज कंप्लेन करते रहते हैं, जो रोते रहते हैं हर चीज के बारे में जो उनकी लाइफ में गलत है, और मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि मैं भी ये करता हूँ। कंप्लेनिंग से अच्छा लगता है हम लोगों को, हम लोग बेहतर फील करते हैं सिचुएशन के बारे में, लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? ऑब्वियसली नहीं। जब आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं तो आप कोई भी पावर जो थी आपके पास उसको गिव अप कर देते हैं। आपका ब्रेन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह है, और अगर आपने उसको दिखा दिया कि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे सोचता है कि यार ये तो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, तो अब सोल्यूशन ढूंढने का भी फायदा क्या है। और जब आप नहीं कंप्लेन करते हैं तो ये सारी एनर्जी आपके अंदर बिल्डअप होती है और आपका ब्रेन एक्चुअली नए नए सोल्यूशंस क्रिएट करने लगता है, और यही है पावर एक्सट्रीम ओनरशिप की। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप पोजीशन ऑफ लीडरशिप में नहीं है तब भी आप एक लीडर बन सकते हैं अपनी खुद की लाइफ में। हर रोज जब आप सुबह उठते हैं आपको अपने आप को लाइफ के थ्रू लीड करना होता है, सारे चैलेंजेस के थ्रू। तो ये प्रिंसिपल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब मैं 3 पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मैंने इस बुक से लिए। तो पहला है एक्सट्रीम ओनरशिप। एक्सट्रीम ओनरशिप ये कॉन्सेप्ट है कि आप उस हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आपकी लाइफ में होती है। अगर आपकी जॉब चली गई, किसी गाड़ी ने आपको हिट कर दिया, अगर किसी डॉग ने आपको काट लिया, तो ये सब आपकी गलती है। और इस मेंटालिटी का मतलब ये नहीं कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इससे आपको अपनी लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा पावर मिलेगी। इस मेंटालिटी को अडॉप्ट करने के बाद आप फोर्स हो जाएंगे विक्टिम मेंटालिटी से निकलने के लिए, और यही की है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जब एक लीडर एक्सट्रीम ओनरशिप दिखाता है तो वो अपने फॉलोअर्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जगाता है। इस सिनेरियो को इमेजिन करिए कि आप एक 10 लोगों की टीम में काम कर रहे हैं और आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और आपने अपने कोवर्कर से हेल्प मांगी अपने बॉस को बगैर बताए। आपके कोवर्कर ने और ज्यादा गलती कर दी और आप लोगों की वजह से डेडलाइन मिस हो गई। आपने एक्सपेक्ट किया कि आपका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और आप तो डर रहे हैं कि आपकी जॉब ना चली जाए। आपकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और शायद आपको फायर कर ही दिया जाएगा। पूरी टीम की एक मीटिंग बुलाई गई एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये ढूंढने के लिए कि क्या हुआ। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बॉस हर चीज बता देगा, और मान लीजिए कि यही हुआ, आपके और आपके कोवर्कर को फायर कर दिया गया और आपकी कंपनी ने 2 प्रेशियस एम्प्लॉइज लूज कर दिए, और अब उनका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा 2 नए लोगों को हायर करने में। लेकिन ये सिचुएशन एक और तरीके से भी प्ले आउट हो सकती है। वो ऐसे होगी अगर आपके बॉस ने एक्सट्रीम ओनरशिप को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। वो ऐसे होगा कि आपके बॉस ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से बोला कि ये सब मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मेरी टीम कंफर्टेबल नहीं थी मेरे साथ और उन्होंने मुझसे चीजें छुपाई, मेरी गलती है कि मैंने उनको कंफर्टेबल नहीं फील कराया। तो वो मैनेजमेंट से ये कहते हैं कि ये आगे कभी नहीं होगा। तो मैनेजमेंट ने उनका एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी मिस्टेक भी फिक्स कर ली और आप लोग वापस काम करने लगे, और फिर आप दोनों लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉयज बन गए कंपनी के लिए। तो यही ये डिफरेंस एक एक्सट्रीम ओनरशिप माइंडसेट अडॉप्ट करने का और एक हर चीज दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की। एक लीडर हर इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसको वो लीड कर रहा है। हर मिस्टेक लीडर की ही है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। एक बहुत की कॉन्सेप्ट है इस बुक का कि कोई बुरी टीम्स नहीं होती, सिर्फ बुरे लीडर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है बिलीव। एक लीडर को अपने मिशन में बहुत अच्छा बिलीवर होना होगा। अगर लीडर के पास क्लियर पिक्चर नहीं ग्रेटर गोल की, तो फिर कोई तरीका नहीं है कि जो फ्रंट लाइंस पे लोग हैं वो उनके पास भी क्लियर पिक्चर होगी। आप कोई ऐसी कंपनी नहीं चला पाएंगे जहां पे जो लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं वो कंपनी के मिशन में बिलीव करते ही नहीं है। ऑथर ने हम लोगों को एक ऐसी सिचुएशन बताई थी बुक में। एक कंपनी में एक नया कॉम्पनसेशन प्लान रखा गया। मिड लेवल मैनेजर्स को लग रहा था कि इसकी वजह से सेल्स पीपल चले जाएंगे, लेकिन सीईओ को लग रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे दोनों लोगों की सोच में बहुत डिफरेंस था। तो जब ऑथर्स ने पूछा मिड लेवल मैनेजर से कि आप लोगों ने अपने कंसर्न सीईओ को बताएं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो कुछ बताया ही नहीं सीईओ को। और फिर जब सीईओ से पूछा गया तो
तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो लोग मुझसे डर क्यों रहे क्वेश्चंस पूछने से, मैंने तो हमेशा कहा कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर सीईओ ने सोचा कि उनको एक्सट्रीम ओनरशिप की मेंटालिटी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फिर सीईओ ने क्या कहा एम्प्लॉयज से कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताइए। उन्होंने रियलाइज किया कि उनको और प्रोएक्टिव बनना होगा मैनेजर्स के साथ, और जब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया तो सारे मैनेजर्स भी मिशन में बिलीव करने लगे और हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगी। एज ए लीडर आपको ये चाहना है कि लोग आपको देखें कि आप बहुत डिसाइसिव हैं और आप मुश्किल चॉइसेस ले सकते हैं। आउटकम भले ही अनसर्टेन हो, लेकिन आपके पास हमेशा इतनी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए। और तीसरा पॉइंट है कि डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन से ही आपको एक फ्रीडम मिलेगा। एक इंटेलिजेंट माइंड की ये निशानी है कि आप दो बहुत ही ऑपोजिट आइडियाज को अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं और तब भी ढंग से सोच सकते हैं। एक लीडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ब्रेव होना चाहिए लेकिन बेवकूफ नहीं, अटेंशन टू डिटेल्स होनी चाहिए लेकिन बहुत ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन एंड्योरेंस भी होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए लेकिन पैसिव नहीं होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से काफी सारे तरीके बताए इस बुक में जिनसे आप एक्सट्रीम ओनरशिप का आइडिया अपने दिमाग में सॉलिडिफाई कर सकते हैं। ये बुक की है दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में। अगर हर कोई प्रेसिडेंट से लेके कॉलेज ग्रेजुएट्स तक इस फिलॉसफी को अपने अंदर ले आए तो ये दुनिया एकदम अलग जगह बन जाएगी। सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की आपकी गलती ही आपको माननी चाहिए, और जब आपके पास ये माइंडसेट आ जाएगा तब आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ कर पाएंगे, तब आप एम्पावर्ड हो जाएंगे, अब आप अपने वर्ल्ड को और अपने आप को कॉन्कर कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक बटन को क्लिक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।